रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बीच चंडीगढ़ में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरज की तपती किरणें अब लोगों को सताने लगी हैं। आग उगलती इस गर्मी से सब परेशान हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि एसी, कूलर और पंखों ने काम करना बंद कर दिया है। हाल ऐसा हो गया है कि लोगों को चेहरा, मुंह और सिर ढककर घर से निकलना पड़ रहा है। गर्मी तो बहुत ज्यादा पड़ रही है इस वक्त। मैं अभी दिल्ली से आ रहा हूँ। मुझे वहाँ पे भी टेम्परेचर लगभग 40-45 के आसपास रह रहा है और यहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है। सर सर्वाइव तो करना मुश्किल है, इसलिए हम शिकंजी, नींबू पानी ये सब यूज़ कर रहे हैं। मेन चीज़ ये है कि आप अपने फेस को ढक के रखें और नींबू पानी और जैसे अपने बॉडी को हाइड्रेट करते रहें। जैसे पानी के साथ कुछ लें, जैसे नींबू पानी हो गया, शिकंजी या फिर जूस लें आप। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो रखा है चंडीगढ़ का इस वक्त, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? सर मैं बहुत ये कि फल फ्रूट खा रहे हैं जो ताजगी रहे हैं शरीर के लिए, और पानी टाइम टू टाइम पानी पी रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी की है कि इतनी गर्मी में हो सके तो आप घर पे ही रहें, बाहर ना निकले। सर क्या करें, पेट का मसला है यहाँ पर, रोजगार भी चाहिए इसलिए निकलना पड़ता है, काम के पेट के लिए करना पड़ता है, फैमिली देखने के लिए। आग उगलती इस गर्म हवा से दिन भर बाहर सड़कों पर, बाजारों और मंडियों में काम करने वाले लोगों का बुरा हाल हो गया है। बहुत ज्यादा ही परेशानी हो रहा है, ना पैसेंजर आ रहा है गर्मी की वजह से, हम लोगों को भी परेशानी हो रहा है, डिहाइड्रेशन के शिकार भी आदमी हो रहा है, काफी गर्मी महसूस। सर रोजी रोटी चलाना है तो सर्वाइव तो करना पड़ेगा, देखभाल के नहीं हमारे पद बच्चों को मैं देखूंगा, उसके बाद अपने शरीर को देखूंगा। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जी, 45 डिग्री गर्मी हो रही है और काम धाम खत्म हो गए हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? बस हमने देखो पन्ना रखा है गीला करके पानी में, उसको सिर पे रखा है, और क्या कर सकते हैं। ২০১৯ के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।